वन प्लस सेवन एंड वन प्लस सेवेंटी सीरीज यूजर हाउ टू मूव बीटा फोर टू ऑक्सीजन ओएस 11 स्टेबल अपडेट। हेलो दोस्तों नमस्कार, वन प्लस सेवन एंड वन प्लस सेवेंटी सीरीज के यूजर बीटा फोर से अपडेट करा रहे हैं अपने डिवाइस को ऑक्सीजन ओएस 11 के स्टेबल वर्जन पर, तो उन्हें कुछ इस तरीके का एरर देखने को मिल रहा होगा। तो इस एरर को वो कैसे फिक्स कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, कैसे आप अपडेट करा सकते हैं अपने डिवाइस को। परंतु उससे पहले आपको मैं कुछ स्टेप बता दूं, वीडियो में आपको जो स्टेप जरूरी है अगर वो स्किप कर देते हैं आपका डेटा इरेज हो जाता है इंपॉर्टेंट डेटा, तो मैं उसका कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूं। इसलिए आप पहले ये सारे स्टेप देख लीजिए जिससे कि आपका डिवाइस बूट लूप में या फिर किसी और तरीके से स्टक ना हो। तो सबसे पहले आपको अपने डिवाइस का बैकअप ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर बीटा से स्टेबल पर आएंगे आप, इसमें आपके डिवाइस का सारा डेटा इरेज हो जाएगा, तो इसलिए आपको बैकअप रिक्वायर्ड है। साथ में बैकअप कैसे लेते हैं उसके बारे में मैंने कुछ टिप बताई हुई है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो वीडियो आप देख सकते हैं जैसे आपको बैकअप लेना है। अब आपको सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, वो फाइल आपको डाउनलोड कर लेनी होगी जो कि लगभग 3 GB की होगी। उस फाइल को आप डाउनलोड कर लेंगे तो वो फाइल आपको आपके डाउनलोड सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। इस फाइल में आपको सिंपली रीनेम करना होगा, रीनेम करने पर आपको .jar लिखा हुआ है तो इसको आप रिमूव कर देंगे और फाइल को ओके करके सेव कर देंगे। अब आप इस फाइल को फिर से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद 3 vertical dot पर टैप करते हुए इस फाइल को यहाँ से आप कट करके इंटरनल स्टोरेज के अंदर पेस्ट करा देंगे। जैसे ही आप पेस्ट करा देंगे तो ये फाइल आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगी। अब आपको सिंपली अपने सेटिंग्स सेक्शन में जाना है, उसके बाद में आपको सिस्टम पर टैप करना है, सिस्टम अपडेट पर टैप करना है और इसके बाद सेटिंग के आइकन पर टैप करते हुए लोकल अपग्रेड पर टैप करना है। इस फाइल पर आप टैप करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से फैक्ट्री डेटा रीसेट करने के लिए आपको बोलेगा। अब आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है, उसके बाद आपको अपने डिवाइस का लॉक स्क्रीन पासवर्ड डाल देना है। ये चीज़ डाल देंगे उसके बाद में यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आपको ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होना है और इसके बाद में आपका डिवाइस फैक्ट्री डेटा रीसेट होकर के अपडेट हो जाएगा। अब आपको अपने डिवाइस का सेटअप कर लेना है, तो सिंपली आप अपने डिवाइस का सेटअप कर लेंगे कुछ इस तरीके से। आपका डिवाइस ये आ जाएगा 10.3.1 के अपडेट पर जो कि वन प्लस का पहला अपडेट था, तो कुछ इस तरीके से आपका डिवाइस आ जाएगा। उसके बाद आपको ये कुछ इस तरीके का अपडेट देखने को मिल सकता है। अगर आपको ऑक्सीजन ओएस 11 का देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छी गाल की बात है, परंतु ये अपडेट देखने को मिलता है तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने डिवाइस पर ऑक्सीजन अपडेटर नामक एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और इसे आप कुछ इस तरीके से आगे स्टेप की ओर बढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है वन प्लस 70 इंडिया चूज करना है। अगर आप 70 के यूजर हैं, 70 प्रो के यूजर हैं, तो आपको इंडिया यूज करना है और किसी पर आपको सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आप वन प्लस 7 यूजर हैं तो आप केवल वन प्लस 7 पर टैप करेंगे, यू पर टैप नहीं करना है। वन प्लस 7 प्रो के यूजर को भी यहाँ पर यू पर टैप नहीं करना है, प्रो पर ही टैप करना है। तो ये कुछ आप अपने डिवाइस का ध्यान रखें, उसके बाद आप कुछ इस तरीके से फुल अपडेट पर टैप कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद स्टार्टअप पर आपको टैप करना है और ये परमिशन पूछेगा, वो परमिशन आपको दे देनी है। आपको आपके डिवाइस पर ये कुछ अपडेट 11.0.0 का इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। अब आपको सिंपली इस अपडेट को डाउनलोड कर लेना होगा कुछ इस तरीके से। आपके डिवाइस पर ये फाइल डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी, तो मेरे डिवाइस पर ये कुछ 2 मिनट में ये फाइल यहाँ पर डाउनलोड होने वाली है। तो जैसा कि ये फाइल अब डाउनलोड हो चुकी है, इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बैक आ जाना है अपने डिवाइस पर। सेटिंग के आइकन पर आपको टैप करना है, सिस्टम पर टैप करना है, सिस्टम अपडेट पर आप टैप करेंगे, उसके बाद आपको इस सेटिंग का आइकन देखने को मिलेगा, इस पर आपको टैप कर देना है, लोकल अपग्रेड पर टैप करना है और ये फाइल आपके डिवाइस पर आ जाएगी। लोकल अपग्रेड के अंदर इसमें आपको इंस्टॉल नाउ पर टैप करना है। यहाँ पर कोई भी डेटा आपका इरेज नहीं होगा, जो डेटा इरेज होना था वो पहले हो चुका है। अब आपको सिंपली इस पर टैप करने के बाद में इंस्टॉल प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा आपके डिवाइस पर। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, 100% आपका ये दोबारा से हो जाएगा। उसके बाद आपको रिबूट पर टैप कर देना है। अब आपका यहाँ पर कोई भी डेटा इरेज नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था इरेज का नोटिफिकेशन नहीं आया था। अब आपको फिर से कुछ समय के लिए इंतजार करना होगा और आपका डिवाइस रिस्टार्ट होकर के आ जाएगा।
तो आप देख सकते हैं बूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, डिवाइस यहाँ पर ऑन हो चुका है और अब ये मेरा डिवाइस आ चुका है फाइनली ऑक्सीजन OS 11 के वर्जन पर। इसमें यहाँ पर पेज लोड होने में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम की बूटिंग है। इस कारण से अब आप देख सकते हैं ये बूटिंग धीरे धीरे हो रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है डिवाइस पर, थोड़ी देर के लिए डिवाइस को ऐसे ही छोड़ देना है। अब ये सब कुछ हो चुका है, अब मैं चलता हूँ आपको सिस्टम में अबाउट फोन पर टैप करते हुए ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन OS 11 एंड्रॉयड 11 का वर्जन आ चुका है आपके वन प्लस 70 स्मार्टफोन पर, ये है स्टेबल का वर्जन। तो कुछ इस तरीके से आप अपने डिवाइस को स्टेबल पर ला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, इस तरीके से आप अपने डिवाइस को बीटा से स्टेबल पर ला सकते हैं, साथ में अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो फाइल्स डाउनलोड करनी होंगी, पहले आपको डाउनग्रेड की, उसके बाद में ऑक्सीजन OS 11 की। तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।